मर 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 पब्लिक गठन करते हैं सरकार को, तो सरकार को पब्लिक गठन करते हैं तो कैसे राज्यपाल गठन कर पाए एडीसी एडमिनिस्ट्रेटर? इट इज फुल्ली वायलेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आल्सो। तो इसलिए ये इसको हम लोग किसी भी तरीके से मानना नहीं चाहिए। अगर हम लोग इंडियन जेन्युइन सिटीजन, अगर डिफरेंट नेटिव पीपल होता तो इसको हम लोग कोई मानना नहीं चाहिए। और यही डिमांड से हम लोग राज्यपाल के साथ 23 तारीख मई को डेपुटेशन किया, मेमोरेंडम सबमिट किया। गवर्नमेंट को हम लोग डिमांड किया जितना जल्द से एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी जल्दी हो सके गवर्नर राज्यपाल अपना अधिकार से अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिक कंसर्न से एडीसी को एडमिनिस्ट्रेटर बैठाओ जिसको पब्लिक चाहती है। कौन सा पब्लिक? दिल्ली का पब्लिक ना गुजरात का पब्लिक ना महाराष्ट्र का पब्लिक? एडीसी मतलब एडीसी एरिया का पब्लिक कंसर्न होना चाहिए, यही एडीसी का असली भाट है। तो इसलिए एडीसी का अंदर में कितना पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन है, मेजोरिटी पर्सन कौन है? इंडिजिनस पीपल के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीन क्या है? त्रिपुरा TTADC, त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। त्रिपुरा ट्राइबल कह रही है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिजिनस भी नहीं कहा, नेटिव भी नहीं कहा, फिर भी त्रिपुरा सा लोग मान लिया, फिर भी वहां पे ट्राइबल नाम बनाकर ऑटोनोमस बना दिया।
पब्लिक ने डिमांड किया, नेटिव पीपल ने डिमांड किया, मिल भी गया, वहाँ पे कोई पावर भी नहीं है। इसके बाद भी वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यहाँ पे इंडिजिनस पीपल होना चाहिए और मस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को चलाने के लिए नेटिव पीपल त्रिपुरा का पीपल होना चाहिए। तो आज तक हम लोग देखा गवर्नर कोई पब्लिक कंसर्न विदाउट पब्लिक कंसर्न गवर्नमेंट के साथ ओनली टू पार्टी के साथ बैठकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ बैठकर जीके राव को बैठा दिया। ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन, पब्लिक का डिमांड को वायोलेशन किया, पब्लिक राइट को वायोलेशन किया। तो ये पब्लिक राइट वायोलेशन, ह्यूमन राइट वायोलेशन, इट इज ए वेरी क्राइम। तो इसलिए हम लोग ये किसी भी तरीके से नहीं मान सकती है और नहीं मानेगा। हम लोग इस विषय में तो राज्यपाल का तो मेमोरेंडम दिया था, तो कितना राज्यपाल का मेमोरेंडम हम लोग 23 तारीख को दिया। तो अभी हम लोग कह दिया अगर एक्सेप्ट विद इन द 7 डेज अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो हम लोग इसके लिए मोब में निकल जाएगा। इसके बाद भी हम लोग 7 डेज नहीं 12 डेज वेट किया, फिर भी कोई कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग फिर 13 तारीख को रिमाइंडर लेटर दिया, रिमाइंडर लेटर देने के बाद भी अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग का पहले भी इंफॉर्मेशन था, पहले से हम लोग कह चुका है ये पब्लिक सेंटीमेंट है, ये पब्लिक सेंटीमेंट के इंडिजिनस पीपल का सेंटीमेंट का अगर रेस्पेक्ट नहीं करता तो वो आंदोलन निकल जाएगा। कोई पूछ सकती है ये लॉकडाउन में क्या आंदोलन है, लॉकडाउन में आप अगर वायोलेशन कर सकते तो लॉकडाउन में हमारे वायोलेशन को प्रोटेक्शन करना भी हम लोग का हक है, ये हक को कोई नहीं छीन सकता। तो इसलिए हम आज लॉकडाउन का बीच में भी हम लोग का राइट्स को हासिल करने के लिए आज ये हाई रोड में ओनली यहाँ पर नहीं है, ऑल त्रिपुरा 7 सेंटर में आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है और हम लोग का डिमांड फोकस हो रहा है। कौन सा कौन सा लोकेशन? लोकेशन ये है यहाँ पर मेन सेंटर हाथाई कतौर, ये मेन सेंटर खामटिंग है और नेशनल हाईवे, सब नेशनल हाईवे में, और दूसरी हुआ और मेन सेंटर हुआ, और दूसरी सेंटर हुआ खुमलंग। अभी खुमलंग मेन बिल्डिंग में अभी आंदोलन चल रही है, वहाँ पे मैं यहाँ पर की बात भी वहाँ पे मैं ज्वाइन करेगा। और दूसरी हुआ बाइजल है, बाईपास रोड ख्वाई से, और अम्बासा मेन रोड, अम्बासा का तरफ से अम्बासा मेन रोड में, और उदयपुर महारानी में, और अमरपुर मोनो, बीरचंद्र मोनो, कोयला शहर डेमडोंग, ये सब मिलकर 7 सेंटर में सेम टाइम में सेम इशू को लेकर आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रही हूँ, डिमांड कर रही हूँ। और मास पीपल 7 प्लेस में रोड ब्लॉक हो रहा है, रोड ब्लॉक हो रहा है सब जगह में। 11 से शुरू हो रहे हैं आज का फुल डे का प्रोग्राम है, फिनिशिंग कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, हम लोग का फुल डे 1 डे का प्रोग्राम है। वन साथ बातचीत करने के लिए आप लोग राजी है? हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुका है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नर के साथ, और ये कॉपी जो गवर्नर के रही हो प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करेगा, प्रेसिडेंट के साथ राष्ट्रपति के साथ बातचीत भी हो रहा है। और हम भी अपना तरफ से टीपीएफ का खुद का तरफ से कॉपी टू फिर हम लोग भी प्रेसिडेंट को भेजा है, लेकिन आज तक तो कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग का ये ही है, हम लोग का ये पूरी तरह से डिक्लेरेशन है। इस विषय में अदर पॉलिटिकल रीजनल पार्टी का कमेंट क्या है, क्या देखा और भी है यहाँ पर? बहुत रीजनल पार्टी है लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। एडीसी डिमांड कर रही है ऑल रीजनल पार्टी, कोई डिमांड करते हैं सेपरेट लैंड, त्रिपुरा लैंड सेपरेट से, कोई टेरिटोरियल काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मोर पावर, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट टुडे हम लोग का आज देख रही है वहाँ पे एडीसी अननोन पर्सन, हम लोग कह रही है अननोन पर्सन। त्रिपुरा का कोई इंडिजिनियस पीपल लोग को पूछो जी के राव कौन है, कोई पता नहीं चलेगा। उसका घर कहाँ है कोई पता नहीं चलेगा, उनका अस्तित्व है कोई पता नहीं चलेगा। और हम लोग इतना ही सुना है वो एक्स चीफ सेक्रेटरी है, लेकिन ये बात ये नहीं है वो उनका डिसक्वालीफाइड, इसलिए हम लोग नहीं कह रहे हैं, उनका अगेंस्ट भी नहीं कह रही है, उनको हम लोग अपोज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का राइट्स में नॉट ओनली जी के राव, एनी पर्सन नहीं आ सकता है, यही हम लोग का मुद्दा है। लेकिन आज रीजनल पार्टी लोग कोई बॉयस रेस नहीं है, कोई कुछ धीमा नहीं है, सिर्फ टीपीएफ का मूवमेंट को देखकर वो लोग कह रहे हैं हाँ इंडिजिनस पीपल मिलना चाहिए। तो आप भी मूवमेंट निकल जाओ, इंडिजिनस पीपल मिलना चाहिए तो आप भी मूवमेंट में निकल जाओ। और आप लोग का कोई प्रपोजल नहीं था रहता तो गवर्नर तो समझ जाएगा वहाँ पे त्रिपुरा पीपल लोग डिसक्वालीफाइड है, इसलिए जिसको चुना है वो दे दिया है। लेकिन त्रिपुरा पीपल्स फ्रॉम 2014 से अपना राइट्स के लिए मूवमेंट कर रही हो और एनआरसी इम्प्लीमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग हो, अगर ये पेंडेमिक शुरू नहीं होता तो, लॉकडाउन शुरू नहीं होता तो
18 तारीख मार्च को एनआरसी डिक्लेरेशन होना था सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग का डिमांड यही है, गवर्नर को भी यही कहा था, जब तक वे एनआरसी इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक त्रिपुरा में वोट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है इलीगली माइग्रेंट्स इलीगल वोटर कोई डेमोक्रेसी कंट्री में वोट नहीं डाल सकता और कोई स्टेट में नहीं भी डाल पाया। तो त्रिपुरा में क्यों इलीगल इंट्रूडर्स इलीगल वोटर वोट डालकर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे रोल दखल कर पाएगा? ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक को हम लोग त्रिपुरा पीपल्स तरफ से 2014 से मूवमेंट करके आया, और अभी पेंडेमिक खत्म होने के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद एनआरसी का डिक्लेरेशन होगा, फाइनल डिक्लेरेशन होगा सुप्रीम कोर्ट में, इसको वेट करके हम भी रह रहा त्रिपुरा सरकार इंडिया गवर्नमेंट सब इसका ऊपर में डिपेंड करके इलेक्शन नेक्स्ट इलेक्शन होगा। और जब तक नहीं इलेक्शन नहीं होता तब तक बोबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक का हाथ में एडीसी को चलाना चाहिए, यही हम लोग का डिमांड है। और जब तक ना एडीसी को इंडिजिनस पीपल का हाथ में त्रिपुरा पीपल का तरफ से बोबाग्रा डिमांड है, इसको अगर डिमांड को इम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं करता तो गवर्नर हम लोग मूवमेंट और भी आगे बढ़ेगा। आज तो सिर्फ वन डे का प्रोग्राम है, इस विषय में महाराजा का ओपिनियन क्या है, वो राजी है क्या? महाराजा का ओपिनियन हम लोग राजी है या नहीं इसको हम लोग जानना का कोई जरूरी नहीं पड़ता। जब बिप्लब देव चीफ मिनिस्टर होता है क्या बिप्लब देव मांग कर लेना पड़ता है? जब मानिक सरकार ने चीफ मिनिस्टर हुआ क्या मानिक सरकार में मांग करके डिमांड करके लेना पड़ता है? पार्टी का और पब्लिक का सपोर्ट है इसलिए वो मिला है। तो अभी पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक का डिमांड है बोबाग्रा है, तो बोबाग्रा मिलना चाहिए। ये तो पब्लिक का डिमांड है, ये पब्लिक का कंसर्न है, डेमोक्रेसी में पब्लिक सुस करता है, पब्लिक लीडर सुनता है। तो बोबाग्रा मानो या ना मानो ये इसका बात नहीं आता है, बोबाग्रा ये लैंड ओनर है, इसको एडीसी नॉन एडीसी सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनका मिलना चाहिए, और उनका मिलने के लिए मूवमेंट शुरू हो रहा है, ये मूवमेंट ये हम लोग का एजेंडा है। कितना समय देंगे स्टेट गवर्नमेंट को इस डिमांड के लिए? समय के लिए तो ऑलरेडी हम लोग कह रही है वन मंथ, विद इन द वन मंथ अगर एक्शन नहीं होता तो और भी बड़ा प्रोग्राम बड़ा हम लोग का मूवमेंट शुरू होगा, लेकिन ये कंटिन्यू चलेगा। तो इसलिए हम लोग अपील कर रही हो, गवर्नमेंट को भी अपील कर रही हो, गवर्नर को अपील कर रही हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अपील कर रही हो, और ऑल इंडिजिनस पीपल की भी अपील कर रही हो, अगर हम लोग का शासन हम लोग का हाथ में लेना चाहते, अपना जाति का अपना शासन करना चाहती हो, अपना जाति के लिए अपना काम करना चाहती हो, तो जीके राव कहाँ से आकर वहाँ पे काम करेगा? वो क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, किसका काम करेगा? जीके राव का साथ जाकर बात करने के लिए कितना इंडिजिनस पीपल लोग कितना साहस मिलेगा? अगर एडीसी में कोई अपना अगर इंडिजिनस पीपल होता तो एडीसी का जितना भी जो प्रॉब्लम है वो लोग जाकर इजीली बात कर सकेगा, अपना प्रॉब्लम को बात कर सकेगा, अपना प्रॉब्लम को वो लोग शेयर कर सकेगा। और जो व्यक्ति अभी त्रिपुरा को फुल ड्राइव कर रहे हो पेंडेमिक में, और दूसरी बात ये है अभी पेंडेमिक लॉकडाउन का समय में हमने देखा है